गुरुजन के आगमन पर जो शिष्य ऊर्ध है, इसमें वर्णन है कि जब गुरु आते हैं तब शिष्य के प्राण ऊपर को भागते हैं। ये नई बात इसमें सुनने को मिल गई और ग्रंथ में नहीं। गुरु लोग सामने जब चल के आते हैं तो उनके दसों प्राण, पंच प्राण और पांच उप प्राण नीचे से ऊपर के लिए भागते हैं। गुरुदेव को देखते ही वो प्राण है वो नीचे से ही, जैसे चंद्रमा की रात्रि को चांदनी देख करके समुद्र का पानी ऊपर उछलता है। गुरुदेव को देखकर, एक तपस्वी को देखकर हमारे दशों प्राण पूरे के पूरे ऊपर की तरफ ऐसे उछाल भरते हैं। लेकिन जिस समय गुरुदेव को वंदन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, तो दसों प्राण अपनी अपनी जगह पर स्थिर हो जाते हैं। इसलिए प्रणाम किया जाता है, प्रणाम इसलिए किया जाता है। और जब प्राण गड़बड़ होते हैं तो व्यक्ति का पूरा बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। उनके फिर वो जो आशीर्वाद के द्वारा फिर अंदर एक ऐसी एनर्जी पहुंचती है, एक ऐसी ऊर्जा पहुंचती है जो हमारे ताप प्रताप संताप को समाप्त कर देती है। तो चार श्लोकों में लिखा, ऊर्ध प्राणायुक्रामंते यून स्तवर आगते, प्राण ऊपर के लिए भागते हैं। प्रत्थान विवाद्यायाम पुनरस्तित्व प्रतिपद्यते, गुरुदेव को प्रणाम किया वो बैठे, तुम्हें आशीर्वाद दिया तुम उनके चरणों में बैठे, तो लिखा है पुनस्ता प्रतिपद्यते, वो प्राण फिर अपनी जगह पर वहीं जाके स्थापित हो जाते हैं। इसलिए अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, ये श्लोक भविष्य पुराण का ही है जो प्राय लोग बोलते रहते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि सम्यक् वर्धन्ते आयु प्रज्ञा यशो बलम्। इस श्लोक का अर्थ है जो बड़ों को वृद्धों को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके समक्ष आने पर उनका अभिवादन करते हैं तो उनकी आयु बुद्धि यश बल की वृद्धि होती है। इतनी चीजें ऑटोमेटिक मिल जाती है प्रणाम करने से। इतना बड़ा जीवन में कभी भी मत बनना कि बंदन प्रणाम करने में लाज लगे, शर्म लगे। इतना बड़ा मत बनना कभी। प्रणाम करने से आयु बुद्धि यश बल की वृद्धि होती है, ये चारों चीजें बढ़ती हैं प्रणाम करने से। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, अपने से बड़ों को वंदन, छोटों को प्रणाम नहीं किया जाता, उनको आशीर्वाद दिया जाता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वार सम्यक वर्धन्ते आयु प्रज्ञा शुभलम्। यदि ब्राह्मण है तो छोटा बच्चा भी पूज्य। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वार सम्यक वर्धन्ते आयु प्रज्ञा शुभलम्। वृद्धों को बड़ों को वंदन प्रणाम करने से चार चीजें ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं, उम्र बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, यश बढ़ता है और शरीर की शक्ति बढ़ती है। इससे गरीब बातें संस्कारों में ही तो कही गई हैं।